विथ टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज फोर्ड वैन आर्सेनिक इज डोप्ड विद जर्मेनियम एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज फोर्न यानी एन प्रकार का सेमी कंडक्टर बनेगा क्योंकि हम जर्मेनियम जो टेट्राकोवेलेंसी उसके अंदर आर्सेनिक जो पेंटाकोवेलेंसी वाला आइटम है उसकी अशुद्धि या डोपिंग कर रहे हैं राइट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टोप द फ्लो सोलवेंट थ्रू एस पी एम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन यहाँ पर इस साइड हमने सॉल्यूशन ले रखा है इस साइड सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो सोल्यूशन साइड होगा तो जस्ट हम क्या करेंगे इस फ्लो को रोकने के लिए हम कुछ यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करेंगे तो ये जो पाई जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे जो इस सॉल्वेंट को या इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दे इट मीन्स जस्ट स्टॉप द फ्लो सॉल्वेंट, उस कंडीशन में जो प्रेशर मेंटेन किया है वही हमारा उस्मोटिक प्रेशर होगा इसको हम प्रासण दाब भी कहते हैं तो प्रासरण दाब वह दाब हो गया जो विलायक की तरफ अगर सॉरी विलायक विलियन की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को रोक देता है ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ डायलिसिस मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल सोल्यूशन में अपगटे होते हैं या हम क्रिस्टलॉइड भी कह सकते हैं जैसे सोडियम आयन पोटेशियम सी एल नेगेटिव इस तरह के जो क्रिस्टलॉइड्स या जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं इस पार्टिकल को हम ए थ्रू एस पी एम ये होती है एस पी एम सेमी पर सेल होती है यहाँ पर हम प्लस और माइनस यानी एनोड और कैथोड इसका यूज़ करते हैं जिससे इसमें जो माइनस और प्लस यानी क्रिस्टलोइड्स वो अपने विपरीत चार्ज वाले या आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ऐसा होने पर जो कोलाइड पार्टिकल हैं या सोल जो भी लिया हमने वो प्योर हो जाता है इसे हम इलेक्ट्रोडेलिसिस कहेंगे यहाँ वाटर इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट होगा तो जो पार्टिकल या क्रिस्टलॉइड थ्रू एस बाहर आएगा वो वाटर के साथ चला जाएगा इस प्रकार हम कोलाइड को प्योर कर सकते हैं क्रोमियम जेड इज इक्वल टू चोईस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इसमें पहले हम एक टिप्स यूज करेंगे वन एस टू यानी वन एस फिर टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी ये फार्मूला लिख लेंगे अपने उसके बाद में हम एस की कैपेसिटी टू इलेक्ट्रॉन होती है पी की सिक्स और उसके अकॉर्डिंग टू यानी हाबो रूल के अकॉर्डिंग टू जेड इजिकल टू चौबीस का कॉन्फ़िगरेशन हम मेंटेन करेंगे तो फाइनली फोर एस टू थ्री डी फोर हो गया फिर हम इसको एन की अकॉर्डिंग टू सेट करेंगे और फिर लास्ट हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा ओडर स्टेबिलिटी ऑफ सेल और सेल ये जो थ्री डी का थ्री डी फोर है फोर एस टू है तो फोर एस का वन इलेक्ट्रॉन थ्री डी में ट्रांसफर हो जाएगा और इस प्रकार फाइनली अपने को वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी फाइव फोर एस वन मिलता है राइट नेम एंड सैम्बल ऑफ वन ट्रांस यूरनिक एलिमेंट द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। तो द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कार्ड ट्रांस यूरेनियम और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट तो जेड इज ग्रेटर देन 92, टू ट्रांफॉर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट तो इसमें एग्जाम्पल में आप फर्मियम और वन हंड्रेड वन मैंडलियम एम डी आप दे सकते हैं राइट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स इन द लेंथेनॉइड्स द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस थ्री ऑर्डर ऑफ सील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक रेडियस तो ये अपना एक कारो मिलेगा आपको इस तरह आप से राइट आई पी सी नेम ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे पहले इसको आयनाइज कर लें तो यह हो जाएगा थ्री के प्लस वन एफी सी टू ओ फोर थ्राइस माइनस थ्री ये जो थ्री चार्ज है वो यहाँ चला जाएगा इसके बाद में पोटेशियम ये तो अपना काउंटर आयन है पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट फेरेट इसलिए यूज किया हमने क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है नहीं तो आयरन यूज होता तो फेरेट थर्ड यहां पर ऑक्जिलेटो डाइडेंटेड लिगेंड है जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो जब रिएक्शन वुड रिएक्शन एल्काइलाइड रिएक्ट विद इट्स एल्फ इन द प्रजेंस ऑफ सोडियम ऑब्लिकिथर रिजल्ट एल्किज ए प्रोडक्ट यहाँ आर एक्स प्लस टू एन एक्स आर तो टू एन एक्स साइड हो जाएगा तो आर आर ये एल्किन है सी एस थ्री सी एल प्लस टू एन ए सी एल सी एस थ्री टू एन ए सी एल यहां से रिमूव कर दें और रिजल्ट के रूप में इथेन प्लस टू एन अपने को मिल जाएगा राइट फुल नेम ऑफ डीडीटी तो यहां पर आप, अपने को डी का आईपीसी नेम नहीं पूछा है फुल नेम पूछा है तो आप लिख सकते हो डाइफिनाइल तो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन राइट आईपीसी नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसीटोन केमिकल फॉर्मूला सी थ्री एच सिक्स ओ सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री इसका आईपीसी नेम करेंगे तो प्रोपेन इसका पेरेंट हो गया आर टू ओन सब फिक्स हो गया यहां टू की आवश्यकता नहीं है तो प्रोपे नोन भी आप इसका आईपीसी नेम कर सकते हैं राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन वेट एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर्स एम डब्ल्यू बार इक्वल टू एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन एन आई एम आई यहाँ पर एन आई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ए मॉलिक्यूल फॉर्मूला वेट एम आई इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे हम बार औसत अणुभार बार इजिकल टू यानी एम डब्ल्यू बार इजिकल टू शिगमा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन एन आई एम आई यहाँ पर कुछ हमने नमूने लिए थे तो किसी बहुलक नमूने में कुछ अणु की संख्या एन तथा एन वन अणुओं का भार एम वन एन टू का भार एम टू और इसी तरह से एन थ्री का भार एम थ्री हो तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं एरिथ्रोसरा का फिसर प्रक्षेप सूत्र तो राइट फिसर प्रोजक्शन फॉर्मूला फॉर इर्थ्रोज सुगर इथ्रो सुगर इज एन एल्डोटेट्रोस यानी एल ग्रुप होगा इसमें और फोर कार्बन होंगे वन टू थ्री फोर इसके अलावा इसमें टू एसेमेट्रिक कार्बन होंगे फर्स्ट कार्बन ये समेट्रिक है सेकेंड ये और इसमें जो सेम ग्रुप सेम साइड रहेंगे इट मीन्स इट थ्रोज च केमिकल सब्सटेंस इज फाउंड इन मश्क एक्सर्टेड बाई मेल मश्क डियर जो नर मृग होता है उसके द्वारा निकलने वाला एक रासायनिक पदार्थ एक केमिकल वो हो होगा मस्कोन तो मस्कोन में टोटल अगर आप कार्बन काउंट करेंगे तो ये 15 कार्बन होंगे जहां फर्स्ट कारण पर कीटोन होगा और ये एक साइक्लिक कीटोन है ये इसका आईपीसी नेम होगा थ्री मिथाइल साइक्लो पेंटेन डेइन वन ओन ड्रा ए नीट और लेबल डायग्राम और ब्लास्ट फर्नेस, यानी वात्या भट्टी जो होती है उसका हमें एक डायग्राम प्लॉट करना है तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है ये अपनी ब्लास्ट फर्नेस है इस ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर यहाँ हाईएस्ट होगा यानी अबो 2000 थाउजेंड और टॉप पर मिनिमम टेम्परेचर होगा तो इस कंडीशन में जब हायर टेम्परेचर हो तो यहाँ पर कार्बन एज ए रिड्यूसर होगा और जब टेम्परेचर लो हो जाए तो कार्बन मोनोक्साइड एज ए रिड्यूसर यहाँ पर वर्क करती है ये कुछ रिएक्शन है तो ये जो कार्बन मोनोक्साइड एज ए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है ये करती है लो टेम्परेचर पर ऐसा हमने एलिगेंट डायग्राम में देखा था

जिसको हम सेलेक्ट करेंगे आयरन सिलिकेट कॉपर शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट इसका रीजन ये है कि मेटेलिक जो सॉलिड होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है इसमें पॉजिटिव आयन जैसे कॉपर है ये और ये जो कॉपर है ये कॉपर अपने लेटिस में इस फॉर्म में रहता है सी यू प्लस वन प्लस इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्रीली मोमेंट करते रहते हैं फ्री मूवमेंट जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन ये तो कॉपर हो गया तो ये तो मोमेंट करेगा नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्रीली मोमेंट करेंगे तो सोलिड फॉर्म में जो मेटलिक सोलिड्स होते हैं वे गुड कंडक्टर होंगे इसके अलावा मोल्टेन स्टेट में भी ये गुड कंडक्टर होंगे तो पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ये मेटलिक सॉलिड का टैग है कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट तो इसका रीजन यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं तो आयनिक सॉलिड आर द constant particles of ionic solid such solid are formed by the three dimensional arrangement of cation and anion bound by strong columbic forces these solid are hard and brittle in nature they have high melting and boiling point since the ion are not free to move about they are electrical insulator in the solid state however इन द मोल्टन स्टेट और वेन डिजोल्व इन वाटर द आयन बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो आयनिक सोलिड जो होंगे ना उसमें मोल्टन स्टेट में और डिजोल्व इन वाटर दो ही कंडीशन में क्या होंगे आयन फ्री करेंगे यानी आयन फ्रीली मूवमेंट करेंगे तभी वो गुड कंडक्टर होंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है जिसमें हम कांस्टेंट पार्टिकल को इस प्रकार अरेंजमेंट करेंगे कि वन एटम को फोर एटम इस प्रकार टच करेंगे कि अगर उनके हम मिलाएं तो एक स्क्वायर एक स्क्वायर की शेप ले लेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा जनरली सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज डिक्रीजेज एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर गिव रीजन यानी सामान्य ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेता घटती है इसका रीज़न ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कीनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होगी और ये जब इंक्रीज होती है तो मोशन ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीज होगा जिससे उनमें जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे एंड एस्केप फ्रॉम सॉल्यूशन इससे उसकी जो विलेता है गैसों की वो कम हो जाएगी बी हाउ मैनी ग्राम ऑफ एनिशियल इज रिक्वायर्ड टू मैक टू हंड्रेड एम एल एक्वेस्ट सोल्यूशन ऑफ फाइव परसेंट एनिशियल फाइव परसेंट एनिशियल के टू हंड्रेड एम एल सोल्यूशन बनाने हेतु कितने ग्राम की आवश्यकता होगी तो इसके लिए हम एक ट्रेक बनाते हैं इट इज द मास्यूट डिजोल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन इज इक्वल टू विलियन तो फाइव ग्राम सोल्यूट है वो हंड्रेड एम एल सोल्यूशन तभी वो फाइव परसेंट है तो अगर हमें टेन ग्राम करना है तो टू हंड्रेड लेंगे तो टेन ग्राम ऑफ एन इज रिक्वायर्ड टू मेक टू हंड्रेड एम एल ऑफ़ सोल्यूशन परसेंट एन ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये जो एक डायग्राम शो किया गया है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है इस डायग्राम में यहाँ पर एक प्लेटिनम प्लेटिनम कोटेड फॉइल होती है इसके अलावा ये वायर है यहाँ पर हम एच टू गैस एट वन बार प्रेशर पर यहाँ पर पास यानी इंटर करते हैं इसमें इसके अलावा ये वन एम एचियल सोल्यूशन में ये प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड होता है वो डिप्ट होता है डूबा हुआ होता है इसको हम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम सॉलिड एच टू गैस एच प्लस आइन यहाँ एच टू का जो प्रेशर है वो वन बार मेंटेन करेंगे और एच प्लस आइन इसके लिए हम वन मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे ऐसा करने पर इस सेल का जो वोल्टेज है वो हमें 0.00 वोल्ट मिलेगा इसके लिए रिएक्शन हम लिख सकते हैं H+ प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ एच टू तो ये जो एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वोल्ट होगी फ्यूल सेल आर बेटर देन अदर सेल गिव एनी टू रीजन इसके दो रीजन ये हैं फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशियंसी ऑफ अबाउट सेवेंटी परसेंट कंपेर टू थर्मल प्लांट्स हुज एफिशियज अबाउट फोर्टी परसेंट ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट हाइब्रोडाइजेशन जोमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स इसके लिए हम सबसे पहले कोबाल्ट कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सी ओ प्लस थ्री है तो हमें कोबाल्ट जो ट्वेंटी सेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो ये आएगा फोर एस टू थ्री डी सेवन इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं तो थ्री डी सिक्स एंड फोर एस जीरो अब ये जो थ्री डी सिक्स है ये थ्री डी सिक्स हमने यहां पर नोट कर दिए फोर एस जीरो फोर पी एंड फोर डी क्योंकि फ्लोरीन जो होता है f- माइनस ये वीक फील्ड लिगेंड होगा वीक फील्ड लिगेंड और ये आउटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो एस पी ओ डी जिसको हमने यहाँ शो किया है एस पी और डी यानी वन एस थ्री पी और टू डी ये मिक्सिंग करेंगे और ये मिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम कहेंगे वो हो होगा तो थ्री डी फाइव सिक्स एंड ये हो जाएगा एस पी थ्री डी टू ये सिक्स ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद मिले जिनकी एनर्जी सेम हो गई इसी को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे अब यहाँ पर फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो फ्लोरीन के पास टू इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसा करने पर इसको हम ऐसे शो कर देंगे ये टू इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा फ्लोरीन और आर मॉलिक्यूल बनाइए बना सीओ एफ सिक्स माइनस थ्री तो सबसे पहले COF6 एफ सिक्स माइनस थ्री इज आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए अगर ये थ्री डी करता तो, तो हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल्स बोलते हैं तो ये आउटर यानी फोर एस फोर पी फोर डी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व एस पी थ्री डी टू वन एस थ्री पी और टू डी ने पार्टिसिपेट किया मिक्सिंग में तो इट मींस एस पी थ्री डी टू हाइब्राइजेशन शेप ऑक्टाइड ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू अब ये डी जो है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला है अपने को इट मीन्स पैरा मैग्नेटिक इन नेचर रीजन फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल अरेन्ज द फॉलोइंग एलकाइलाइड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुअर्ड एस एन वन रिएक्शन तो फॉर एस एन वन ट्रेसरी एल्काइलाइड मोर फेवरेबल इसके लिए आप मोस्ट फेवरेबल लिस्ट फेवरेबल कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड राइट द प्रोडक्ट यहां पर एल्कोहलिको एच इट रिएक्शन होगी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन इसमें कार्बन जिस पर एलोजन है एल्फा कार्बन है उसका एडजेंस बीटा कार्बन तो एल्फा से सीएल और बीटासी एच रिमूव कर दें ऐसा करने पर इथीन आर प्लस के सी एल प्लस एच टू एच इस साइड प्रोडक्ट मिलेगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस एच बी आर प्रोक्साइड एंटी एम के आर प्रोडक्ट मिलेगा जिसको एंटी मार्कोनिक रूल तो आर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू टू सिग्मा बोन एच nbr n-t-m-k-r product a solution of copper sulfate electrolyzed for 20 minutes with a current of 1.5 ampere time is equal to 20 minutes मिनट को आप चेंज करें सेकंड में तो ट्वेंटी इंटू सिक्सटी सेकेंड ऑलवेज करंट आई इजिकल टू वन पॉइंट फाइव कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट एट कैथोड तो कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो रिडक्शन रिएक्शन होगी तो Cu यू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन सी यू सॉलिड तो यहाँ पर ये वन यहाँ टू और यहाँ वन इसको मैं वन आयन तो टू इलेक्ट्रॉन वन एटम वन आयन टू इलेक्ट्रॉन वन एटम अगर हम मोल कंसेप्ट पर आए इट मीन्स वन मोल टू फराडे एंड वन मोल वन मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री ग्राम टू फराडे चार्ज जो है वो इक्वल होगा टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कुलम We required 2F, 2, two Faraday, it means 2 into 965 double zero coulomb to deposit 1 mole or 63 gram of copper. For 1 coulomb, the mass of copper deposited 63 gram upon 2 into 965 double zero coulomb. i इंटू टी आई की वैल्यू 1.5 पॉइंट फाइव टी की वैल्यू है टू इंटू सिक्सटी तो टू इंटू सिक्सटी इंटू वन पॉइंट फाइव कुलम द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड Is equal to sixty three two into nine six five double zero into twenty into sixty into one point five is equal to point five eight seven five gram.